नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप देख रहे हैं बिहार के सबसे बड़े YouTube न्यूज चैनल लाइव स्ट्रीज को। मिलने मिलाने का दौर अब शुरू हो चुका है। आपको जानकारी होगी कोई भी नेता कभी भी किससे मिल रहे हैं, ये अचानक से बात मीडिया के सामने निकल के आ रही। कुछ ऐसा ही हुआ है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन मांझी के साथ। तस्वीर देखिए किस तरीके से NDA के कार्यकर्ता सह अस्थावा विधानसभा से लोजपा के पूर्व प्रत्याशी छोटे लाल यादव के यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी ने भोजन किया है जाकर। ये खबरें निकल के आ रही हैं कि उन्होंने मछली चावल खाया है और उन्होंने खुद इस बात का स्वीकार भी किया है, इन बातों को स्वीकार कर लिया है। देखिए जरा मिलकर आ रहा है जीतन मांझी NDA कार्यकर्ता से क्या कुछ कह रहे हैं। बस छोटू जी से भेंट मुलाकात के लिए आए हैं हम लोग। शिष्टाचार के रूप में यहाँ पर चाय वाय किया, भोजन भी लोग किया और कोई पॉलिटिकल बात नहीं। अब यहाँ जब नॉमिनेशन होगा हमारे उम्मीदवार का, उसके बाद फिर हम लोग सब राजनीतिक बात करेंगे। नालंदा की जनता से क्या अपील कर रहे हैं सर? नालंदा की जनता से कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर जो 34 कार्यक्रम अपना के चला है, जिसको माननीय नीतीश कुमार जी ने निर्दयतापूर्वक काट दिया है, उन सब योजनाओं को अगर आगे बढ़ाना है तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर को उम्मीदवार को जिताना है। यही यहाँ की जनता को हम बोल रहे हैं। मछली से यात्रा बनाया गया है चुनाव का, चलिए वो यात्रा ही यात्रा है। मांझी मांझी है जो नाव पतवार पार करता है जी। आपने तस्वीरें देख ली है, आपने जितना मांझी को सुन लिया है। हालांकि आप जानते होंगे कि मछली चावल खाएंगे, महागठबंधन को जिताएंगे, ये प्रोग्राम शुरू करवाया था सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी ने, जो इस वक्त VIP पार्टी के अध्यक्ष है और महागठबंधन के एक अहम हिस्सा है। दूसरी ओर जीतन राम मांझी मछली चावल खाने, मछली का स्वाद लेने के लिए NDA कार्यकर्ता के घर, NDA के नेताओं के घर जा रहे हैं। बात आप समझ रहे होंगे राजनीति किस तरीके से हो रही है। तोड़ जोड़ की राजनीति जो होती है वो लोकसभा चुनाव के दौरान ही होती है। कभी भी कोई भी नेता किसी भी दल में जा सकते हैं, समर्थन किसी को भी दिया जा सकता है, गुप्त रूप से भी दिया जा सकता है। कई नेता NDA के नाराज भी चलते हैं, कई नेता महागठबंधन के भी नाराज चलते हैं। ऐसा आरोप लगाया जाता है कि नरेंद्र मोदी 4 बार अब तक बिहार आए हैं, चारों सभाओं में नीतीश कुमार की मौजूदगी है, लेकिन 4 बार राहुल गांधी आए हैं, चारों सभाओं में तेजस्वी यादव की मौजूदगी नहीं है। इन सवालों पर भी अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं निकल के आई है महागठबंधन की ओर से। हालांकि ये तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम लोग सभी सिस्टम से चल रहे हैं, सभी जगह पर हम लोग अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं और सभी जगह को देख रहे हैं सभी लोग मिल करके। लेकिन NDA के नेता के घर जाकर के मछली चावल खाना ये कैसी बात है, ये खुद समझ में नहीं आ रही है हमें भी। शायद जीतन राम मांझी, उन्होंने साफ साफ कहा है कि वह सिर्फ औपचारिक मुलाकात के लिए गए थे, एक शिष्टाचार मुलाकात थी। अब इस मुलाकात के बाद क्या मायने निकाले जा सकते हैं NDA नेताओं से मुलाकात के बाद, आप लाइव सिटीज देखते रहें। अगर भविष्य में फिर से मुलाकात होती है, कोई नई बात होती है, तो उन बातों से लाइव सिटीज आपको रूबरू कराएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें ताकि हर छोटी बड़ी खबरों के साथ हम आपको रूबरू करा सकें। धन्यवाद।